बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट करवाऊंगा 10 मरला का बहुत ही खूबसूरत डबल यूनिट घर, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो डायमेंशन हैं वो है 35x70, 35 घर का फ्रंट है, 70 घर की लेंथ है। एंड वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। यूजुअल घर का प्रॉपर विजिट करेंगे इसी वीडियो में, आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च किए बगैर। तो विजिट अब इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एलिवेशन पे दो डिफरेंट कलर्स में रॉक वॉल का यूज़ किया गया है, प्लस वुडन टेक्सचर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। घर के राइट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। लेफ्ट साइड पर प्लॉट है, राइट नेक्स्ट वाला प्लॉट घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है। तो अब मूव करते हैं इसके पार्किंग रैम्प पे। फर्स्ट व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास बड़े साइज़ का वॉकिंग रैंप है। देन अगेन हमारे पास कार रैंप है, जिसके ऊपर टफ टाइल्स को लगाया गया है। कार रैंप पे भी आपकी दो गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पे फर्दर टर्न करते हैं, यहाँ पे हमारे पास घर का ग्रीन एरिया है, जिसको आप मज़ीद अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। बिजली का घर में 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है। फर्दर इस लोकेलिटी में, इस एरिया में गैस अवेलेबल है। इस घर की गैस की डॉक्यूमेंटेशन ऑनर की तरफ से अप्लाइड है। तो ये इसका मेन गेट है, जो कि लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर स्लाइडेबल है, ऑलरेडी स्लाइड भी हुआ है। राइट साइड का जो पैच है बाहर की तरफ ओपनेबल है। एंटर होते हैं अब इसके खूबसूरत पोर्च में। तो सबसे पहले आप पोर्च के अंदर एंटर होते हैं, आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड की जितनी इनर वॉल्स हैं इन पर रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। और सेकेंडली, 10 मरला घर में आपको आइडिया होगा राइट या लेफ़्ट साइड पर वेंटिलेशन स्ट्रीट छोड़नी पड़ती है, और बैक साइड की जिसकी एक्सेस भी होती है। तो यहाँ पे राइट साइड पे स्ट्रीट छोड़ी गई है, बैक साइड पे इसका हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है। फर्दर फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फैंसी डल टाइल्स का यूज़ किया गया है। और उसके अलावा यहाँ लेफ़्ट टर्न करते हैं फर्दर, तो यहाँ पे हमारे पास घर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी की मोटर फिक्स है, जो कि वाटर को अपलिफ्ट करेगी। तो यहाँ से आपको मैं एक दफ़ा इसका एलिवेशन दिखाता हूँ। ये घर का खूबसूरत एलिवेशन है। पार्किंग स्पेस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ राइट साइड पे आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं, और लेफ्ट साइड पे भी गाड़ी पार्क हो सकती है। साइड स्ट्रीट से जो हमारे पास बैक साइड की एक्सेस है, वहाँ पे हमारे पास लॉन्ड्री एरिया है। और उसके अलावा बैक पे हमारे पास स्पाइरल स्टेयर्स हैं, जिसकी एक्सेस आपको सीधी छत पर मिलेगी। तो ये हमारे पास मेन एंट्रेंस के डोर हैं व्यूअर्स। लेफ्ट साइड का जो डोर है वो हमारे पास ड्राइंग रूम की एक्सेस के लिए है। मिड में जो हमारे पास काफ़ी हाइटेड डोर है वो मेन एंट्रेंस लॉबी का है। तो दो ग्रेनाइट के स्टेप हैं। देन हमारे पास मेन एंट्रेंस से चलते हैं घर के अंदर। व्यूअर्स, घर के अंदर एंटर होते हैं, तो वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की सेपरेट एक्सेस है। फर्दर लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टार्ट होता है मेन ग्राउंड पोर्शन का एरिया। तो मेन स्विच बोर्ड हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, और ग्राउंड पोर्शन का जो मेन हमारे पास ड्राइंग रूम का पाउडर है वो यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे है। तो एक डोर के साथ बिल्कुल सेपरेट किया गया है ग्राउंड पोर्शन को। अब एंटर होते हैं घर के अंदर ग्राउंड पोर्शन में। तो सबसे पहले हमारे पास ये पूरा ग्राउंड पोर्शन का मैप है, लाइक 2+3 का यूनिट है। ग्राउंड पोर्शन पे दो मास्टर साइज बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, एक क्लोज किचन है, और एक बिल्कुल सामने स्क्रीन पर आपको इसका ड्राइंग रूम नज़र आ रहा होगा, जो कि विद पाउडर रूम है। तो एक दफ़ा फिर से शेयर कर दूं व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट करवा रहा हूं 10 मरला का ये बहुत ही खूबसूरत घर, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्यूअर्स, ये घर जो है कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों पर, डाउन पेमेंट्स पर अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली, वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। वीडियो एंड तक देखने से आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, इसके इंटीरियर का, घर के मैप का, फ्लोर प्लान का आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप में से किसी कभी बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के किसी भी ब्लॉक में 10 मरला का प्लॉट आपका अपना है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। हम आपको आपका घर कंस्ट्रक्ट करके भी दे सकते हैं। तो ये ड्राइंग रूम है, यहाँ से इसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है लाउंज के साथ, वुड प्लस ग्लास के डोर के साथ। और ड्राइंग रूम की एक्सेस हमारे पास कार पोर्च से भी अवेलेबल है, घर के अंदर से भी, एंट्रेंस लॉबी से भी अवेलेबल है। तो अगेन चलते हैं इसके टीवी लाउंज में। लेफ्ट साइड वॉल पे आपको इसकी अलार्म सिस्टम की डिवाइस नज़र आ रही होगी, और राइट साइड पे वुड प्लस ग्लास के साथ हमारे पास किचन को बिल्कुल सेपरेट किया गया है। तो ये चीज़ रिमूव करके आप किचन को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है।
सबसे पहले मूव करते हैं किचन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लोरिंग पे वुडन टेक्सचर की टाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक हुड प्लस बर्नर इंस्टॉल्ड है किचन में। लेफ़्ट साइड पे जो आपको सामने स्क्रीन पे डोर नज़र आ रहा है वो हमारे पास साइड स्ट्रीट से किचन की एक्सेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मेड या सर्वेंट हायर करते हैं तो बैक साइड पे स्पायरल स्टेयर्स हैं, छत पे सर्वेंट रूम है, वो सर्वेंट स्पायरल स्टेयर्स के थ्रू ईजिली आपके किचन को एक्सेस कर सकता है। साइड स्ट्रीट से डोर अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इसका प्रॉपर किचन है, किचन का सीलिंग भी डिज़ाइन किया गया है। वापस से चलते हैं इसके लाउंज में। बिल्कुल सिंपल सा और काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखी गई है घर की, सिंपल सा घर बनाया गया है। उसके अलावा हर वन साइडेड वॉल पे वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। तो बेडरूम्स की तरफ अब मूव करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डोर्स नज़र आ रहे होंगे, फ्लोरिंग पे टाइल्स बिल्कुल सेम है लाउंज में, बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम में। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बेडरूम फर्स्ट में। तो सबसे पहले राइट साइड पे वॉल निशेज देख लें। सामने की वॉल पे 3D वॉलपेपर लगाया गया है और उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं 4-door डबल पैच में कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं। सामने हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं 7 फुट तक तकरीबन टाइल्स का यूज़ किया गया है। टाइल्स का जो थीम है वो काफ़ी डिसेंट है। उसके अलावा पोर्टा की फिटिंग्स हैं और प्रॉपर टाइल्ड है वॉशरूम भी। फ्लोरिंग पे भी टाइल्स का यूज़ है और वॉल्स पे भी। तो वापस से मूव बैक करते हैं अब बेडरूम में। ये बेडरूम फर्स्ट है प्रॉपर मास्टर साइज बेडरूम में। जिस पैटर्न के टाइल की डिज़ाइन की हमारे पास फ्लोरिंग पे टाइल है उसी पैटर्न की हमारे पास स्कॉटिंग भी यूज़ की गई है। अगेन बेडरूम फर्स्ट के एंगल से देख लें आप। फर्दर राइट टर्न करते हैं तो हमारे पास बेडरूम नंबर सेकेंड है। ये बेडरूम सेकेंड बेडरूम फर्स्ट से भी ज़्यादा मास्टर साइज है। यहाँ पे बिल्कुल सामने स्क्रीन पे आपको इसका स्टोर रूम नज़र आ रहा होगा और इसका जो अटैच वॉशरूम है वो बिल्कुल सेपरेट हमारे पास यहाँ राइट साइड पे अवेलेबल है। तो प्रेयर रूम या इसको आप काइंड ऑफ स्टडी रूम भी बना सकते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज़ है। और इस पूरे घर में व्यूअर्स जितनी भी वेंटिलेशन विंडोज़ हैं सब विंडोज़ पे सेफ्टी ग्रिल्स का यूज़ किया गया है। सेफ्टी ग्रिल्स को इंस्टॉल किया गया है, उसके ऊपर सेंसर्स भी लगाए गए हैं। तो ये वॉशरूम नंबर सेकेंड है। टाइल का यहाँ पे भी आप थीम देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। उसके अलावा इस वॉशरूम में वॉल हैंगिंग वैनिटी का यूज़ किया गया है। तो बेडरूम्स का हमने विज़िट कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट पूरे ग्राउंड पोर्शन का हमने विज़िट कंप्लीट कर लिया है। तो वापस से चलते हैं लाउंज की तरफ। ये हमारे पास मेन टीवी लाउंज का एरिया है, बेडरूम सेकंड के एंगल से भी आप देख लें। अब हम चलते हैं वापस से इसके एंट्रेंस लॉबी की तरफ, वहाँ से हम मूव करेंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो यहाँ पे इसका पाउडर रूम है ग्राउंड पोर्शन के ड्राइंग रूम का, ये भी प्रॉपर टाइल्ड है। ये इसकी एंट्रेंस लॉबी है, अगर आपने रेंट आउट करना है तो सेपरेटली आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं। ग्रेनाइट के स्टेप हैं और यहाँ से हम चलते हैं अब इसके छत फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स में ब्लैक कलर की स्कॉटिंग का यूज़ किया गया है ग्रेनाइट के साथ। तो व्यूअर्स ये भी एक काइंड ऑफ लॉबी एरिया डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से हमारे पास ऊपर छत की एक्सेस है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट फ्लोर का सेपरेट मेन स्विच बोर्ड है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम फर्स्ट आप कह सकते हैं या तो इसका सेपरेट आप ड्राइंग रूम कह सकते हैं, वो अवेलेबल है। लेकिन जो प्रॉपर टीवी लाउंज का एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास अपर पोर्शन का टीवी लाउंज है, बिल्कुल सेम टू सेम ग्राउंड पोर्शन की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये मीडिया वॉल है लेफ्ट साइड पे, 2 bedrooms हैं अटैच वॉशरूम के साथ, सामने ओपन किचन, रिमेनिंग 3rd bedroom या उसको आप फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग रूम कह सकते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट हमारे पास अवेलेबल है। तो व्यूअर्स इन शॉर्ट हमारे पास घर में 5 मास्टर साइज बेडरूम्स हैं अटैच वॉशरूम के साथ, 2 TV lounge हैं काफ़ी ज़बरदस्त और 2 kitchen हैं। उसके अलावा ग्राउंड पोर्शन पे एक ड्राइंग रूम है विद अटैच वॉशरूम। तो अब बात कर लेते हैं इस घर की आस्किंग प्राइस की। तो घर की जो डिमांड की जा रही है ऑनर की तरफ से वो है 3 crore 80 lakh, 3 crore 80 lakhs जो है घर की आस्किंग की जा रही है, घर की डिमांड है जो कि ऑनर की तरफ से है और जिसमें मज़ीद नेगोशिएशन का मार्जिन अवेलेबल है।
तो आप सब देखने वालों में से जिस किसी ने भी इस घर का ऑन ग्राउंड विजिट करना हो या इस घर को परचेज़ करना हो, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर जो है वो लिखा हुआ है। आपको इसकी स्क्रीन इस वीडियो की स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस घर का ऑन ग्राउंड विज़िट भी करवा दिया जाएगा, फर्दर इस घर के ऑनर के साथ आपकी फ़ेस टू फेस मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो 3,80,00,000 घर की आस्किंग है ऑनर की तरफ से, जिसमें मज़ीद नेगोसिएशन का मार्जिन अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट करके विज़िट कर सकते हैं। तो घर की तमाम डिटेल्स आपके साथ मैंने व्यूअर्स शेयर कर दिए और इस घर के अलावा भी 5, 7 और 10 मरला के ब्रांड न्यू घर अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के किसी भी सेक्टर में, किसी भी ब्लॉक में अगर 5, 7 या 10 मरले का प्लॉट आपका अपना है, आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो वापस से वीडियो की तरफ आते हैं। बेडरूम फर्स्ट भी हमने विज़िट कर लिया है, फर्स्ट के एंगल से आप देख लें। थोड़े बहुत जो काम है, जैसे लाइट्स आप देख सकते हैं 2 मिसिंग है, ये काम पेंडिंग है, एज सून एज़ पॉसिबल इस तरह के जो छोटे वो थोड़े बहुत काम होंगे वो ऑनर की तरफ से आपको कम्प्लीटली करके घर आपके हैंड ओवर किया जाएगा। ओवरऑल घर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, रेडी टू लिव है। तो ये है बेडरूम सेकेंड। कबर्ड्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन की गई हैं, हर रूम में वॉल पे फैंसी वार्म लाइट का यूज़ भी किया गया है। तो हर वॉशरूम का सेपरेट एक थीम बनाया गया है और हर वॉशरूम में वॉल हैंग वैनिटी का यूज़ किया गया है। तो ये था बेडरूम नंबर सेकंड। और व्यूअर्स, बहरिया टाउन फेज़ 8 और पिंडी की जिस ब्लॉक में घर अवेलेबल है, प्रॉपर यहाँ पर 10 मरला ही कटिंग है, मस्जिद भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे है, कमर्शियल एरिया, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह और फेज़ 7 की एक्सेस भी आपकी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे इस घर से, तो काफ़ी अच्छी इस घर की लोकेशन है। घर के अगर आप अंदर से देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, घर के फैमिली रह रही है, राइट साइड पे प्लॉट है। तो अब आ जाते हैं इस घर के प्रोपोर्शन के ड्राइंग रूम में या बेडरूम थर्ड में आप कह सकते हैं। बड़े साइज़ की यहाँ पे विंडो है और विंडो पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरे घर की तमाम विंडोज़ पे सिक्योरिटी ग्रिल्स का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट साइड पे आपको डोर नज़र आ रहा होगा, टेरेस के एक्सेस का डोर है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसका काफ़ी खूबसूरत वॉशरूम अवेलेबल है, वॉशरूम्स में भी वेंटिलेशन विंडोज़ हैं। ये वॉशरूम थोड़ा सा कंजेस्टेड है, यहाँ पे इसका शॉवर एरिया। तो व्यूअर्स, पूरे घर का हमने कंप्लीट विज़िट कर लिया है, जस्ट हमारा छत का विज़िट रह गया, वो इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड करवाया जाएगा। तो एक दफ़ा फिर से आपको इस घर की डिटेल दे दूं कि आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट करवाया 10 मरला का प्रॉपर डबल यूनिट घर, जो कि इस टाइम मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। तो इसका हमने प्रॉपर विज़िट किया है। इसके अलावा इस घर से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।